हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वन सेकंड टू माय चैनल। आज बात करूंगी कि आप अपने लाइफ में मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपने लाइफ में वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकली बताऊंगी कि कौन सा नंबर है जो आपको मनी को अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करता है। ऐसे तो नंबर 4 जो राहु का नंबर है वो भी मनी को अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करता है, नंबर 3 भी हेल्प करता है, नंबर 8 जो शनि का नंबर है वो भी करता है, नंबर 6 जो वीनस का नंबर है वो भी करता है, नंबर 2 जो मून का नंबर है वो भी करता है, लेकिन कैसे वो भी आपको बताती हूँ। नंबर 4 जो राहु का नंबर है वो आपको सडन वेल्थ देने में हेल्प करता है। हो सकता है वो वेल्थ आपको आपके सही काम करने से मिले, या हो सकता है कुछ ना कुछ गलत काम करने से वो मिल जाए, लेकिन वो जो वेल्थ होता है वो आपका संजोया हुआ धन होता है, जो आप संभाल कर रखते हैं, मनी को संजो कर एक्यूमुलेट करके रखते हैं, ये वैसा पैसा होता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उनके बैंक अकाउंट में बहुत पैसे थे लेकिन वो उनके ऊपर जाने के बाद पता चला, या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस का जब रेड होता है तो पता चलता है उनके पास करोड़ों रुपए थे लेकिन वो दिखा नहीं पाए, वो एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि नहीं तो वो पकड़े जाते पहले ही। जो नंबर 4 होता है वो आपको पैसे बचाने में हेल्प करता है। जो नंबर 8 होता है यानी कि सैटर्न जो आपको वेल्थ देता है, वो आपकी जो भी मेहनत है, आपके जो भी काम है, उसके बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं, चाहे वो आपकी सैलरी हो या बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट है, वो उस तरीके से आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। नंबर 2 लिक्विड कैश को डिनोट करता है, लिक्विडिटी को डिनोट करता है, तो इसका मतलब होता है कि पैसे हमेशा आते रहेंगे। नंबर 3 क्योंकि आप नॉलेजेबल और स्किल्ड होते हैं तो आपको पैसे कमाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन जो नंबर 6 होता है वो आपको वेल्थ देता है, जो आपने अपने मेहनत से जो कमाया है, कहीं उसको इन्वेस्ट किया है और उसका जो रिटर्न आ रहा है, जो आपको वो जो एक्स्ट्रा मनी आ रहा है, एक्स्ट्रा जो पैसे आ रहे हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, एक लग्जरियस लाइफ को जीते हैं, आप अपनी लाइफ में वो सारी अरमान को पूरा करना चाहते हैं, आप जो रिच बनते हैं, वो नंबर 6 की वजह से आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो जो रिचनेस का नंबर है नंबर 6, उसे आप कैसे स्ट्रेंथन करें। ऐसे तो बहुत सारे आपको न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया होगा कि आप अपने वीनस माउंट पे 24 लिख दीजिए, उसे रब कीजिए, तो आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छी होती हैं, ये उसे और एड ऑन करती हैं, लेकिन सिर्फ ये करने से यदि आपके पास पैसा आ जाए तो क्या बात है, ऐसा नहीं होता। आपको वो चेंज अपने आप में लाना होगा, अपनी पर्सनैलिटी में लाना होगा, अपने माइंडसेट में लाना होगा वो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप जो ये थॉट होता है कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसा अच्छी चीज नहीं है, पैसे के लिए तुम काम कर रहे हो क्या, ये जो सारे थॉट प्रोसेस होते हैं उसे चेंज करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप मनी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जब आप ऐसा बोलते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, तो फिर पैसा आपके पीछे नहीं भागेगा, वो आपसे दूर चला जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि पैसा कभी भी बुरा नहीं होता, आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं वो अच्छा या बुरा हो सकता है। ठीक वैसे ही कि नॉलेज कभी भी बुरा नहीं होता, लेकिन आप उस नॉलेज से यदि कुछ गलत काम करते हैं तो वो बुरा हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल यदि मैं दे रही हूं कि इंटरनेट से आप बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसी इंटरनेट से आप साइबर क्राइम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट बुरा नहीं है, आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोलते कि नॉलेज के पीछे मत भागो, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, आप पैसे को कैसे यूज कर रहे हैं हमें ये आना चाहिए। तो इसीलिए अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए कि पैसा बुरी चीज है। नेक्स्ट टिप है कि आप अपने आप को वो फील कीजिए, वो महसूस कीजिए कि आप सक्सेसफुल हैं। यू मस्ट अज्यूम एंड बिलीव दैट यू आर सक्सेसफुल। जब आपकी ऐसी माइंडसेट होगी तो आप वैसा ही महसूस करेंगे और उसी तरीके से अपने आप कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप घड़ी जरूर पहनिए, क्योंकि सक्सेस इज ऑल अबाउट टाइमिंग, सक्सेस इज अबाउट ग्रैबिंग द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। तो वो टाइम का आपको एहसास होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास काम नहीं होता वो अंदाजे से टाइम बताते हैं, अभी कुछ 4-5 बज रहे होंगे, लेकिन जिनके पास काम होता है, जो बिजी लोग होते हैं, उनके पास हर मिनट का हिसाब होता है। कभी उनकी मीटिंग 4:15 पे होने वाली होती है, 5:30 में होने वाली होती है, उनके लिए हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हमेशा एक अच्छी वॉच जरूर पहने। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो भी आप वॉच पहनते हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए, चाहे वो आप टाइटन पहने, चाहे आप ओमेगा पहने, लेकिन वो ओरिजिनल हो। ऐसा नहीं कि आपने लुई विटों और ओमेगा जाकर बैंकॉक का चाइना से खरीद लिया। जैसे ही आप
कुछ भी फेक चीजें खरीदते हैं और पहनते हैं तो आप राहु को अट्रैक्ट करते हैं, राहु को एग्रीवेट करते हैं। तो इसीलिए आपको वो नहीं करना है, आपको अपनी वीनस को एक्टिवेट करना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल चीजें यदि टाइम लगती है तो रुक जाइए, जब भी आपके पास पैसे हो तब आप खरीदिए, लेकिन हमेशा ओरिजिनल चीजें खरीदिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि कभी भी अपने प्लान्स के बारे में, कभी भी अपने वेल्थ के बारे में ढिंढोरा मत पीटिए, बोझफुल मत बनिए। आप अपने कंडक्ट को अच्छा रखिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए एंड लेट योर मैनिफेस्टेशन सरप्राइज यू। आपने ये सेइंग भी सुनी होगी कि जो खानदानी रईस होते हैं रखते हैं नर्म मिजाज अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि दौलत नई नई है। तो इसीलिए अपनी पर्सनालिटी को बोलने दीजिए, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग समझ जाएं कि यदि इसने कुछ किया है, इसने कुछ लिया है तो अच्छा ही होगा। ऐसी पर्सनालिटी आपको बिल्ड करनी है वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि फोकस ऑन योर बॉडी, क्योंकि वीनस आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। तो आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाकर रखिए, जिम जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए और अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाइए। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा होना चाहिए कि नाम सुनते ही काम हो जाए। तो वो नाम बनाने के लिए, आपकी पर्सनालिटी लोगों को याद रहे ऐसा होने के लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा ग्रूम कीजिए ताकि आप वीनस को और ज्यादा एक्टिवेट कर पाए। जो वीनस होता है उसे ब्यूटीफुल चीजें पसंद है, वो आपकी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से ड्रेसअप हो, आप जहां भी काम करते हैं, यदि आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो ड्रेसअप लाइक अ सीईओ। अब आप कहेंगे कि मार्क ज़करबर्ग तो बहुत ही कैजुअली ड्रेसअप होते हैं, वो सिर्फ टी शर्ट और जीन्स पहनकर आते हैं। उस मुकाम तक पहुंचिए जहां की आप मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, ऐसी जगह पर पहुंचिए जहां की आप फिर कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। उस मुकाम तक पहुंचिए जहां ये सारी चीजें मायने नहीं रखेगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा उस तरीके से कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप इस तरीके से सोचिए कि क्या जिस घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या वो घर बहुत ही गंदा है, उस घर के लोग आपको वेलकम नहीं करते, तो क्या आप उस घर में जाना चाहेंगे? नहीं ना। तो वैसे ही लक्ष्मी जी को क्लीनलीनेस पसंद है, उन्हें ब्यूटिफुल थिंग्स पसंद है, उन्हें खुशबू पसंद है, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड चीजें पसंद है। तो इसीलिए हमेशा अपने घर को क्लटर फ्री रखिए, ब्यूटीफुली उसको डेकोरेट करके रखिए। अपने घर में आप जो भी चीजें रखते हैं उसे बहुत ही कंफर्टेबल रखिए, चाहे वो आपका बेड है, सोफा है, चेयर्स हैं, उन्हें इतना कंफर्टेबल रखिए कि जब आप बाहर से घर आते हैं तो आप घर आना चाहें, आप रात में सुकून के साथ अपने घर में सोना चाहें। आपके घर में यदि कोई गेस्ट आते हैं तो वो बहुत ही कंफर्टेबली अपना टाइम स्पेंड करें। वो जो कंफर्ट है वो धीरे धीरे आपको वो लग्जरियस माहौल देता है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी रिच लोगों के घर को देखते हैं तो क्या कभी ऐसा क्लटर्ड घर आपको दिखता है या मेसी घर आपको दिखता है? आप हमेशा उस घर को देखकर ऑ में रहते हैं, चाहे वो आप फोटोग्राफ्स देखें, वीडियो देखें, आपको लगता है कि कितना सुंदर, कितना आलीशान घर है। तो वो यही दिखाता है कि जब आप रिच होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हर चीजों में रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इस तरीके से उसको शुरुआत करें कि जब आप अपनी सराउंडिंग को उस तरीके से ही आप रखते हैं, अपने घर को उतना ब्यूटीफुली रखते हैं, अपने ऑफिस को उतना ब्यूटीफुली रखते हैं, सजा कर रखते हैं, संवार कर रखते हैं, क्लीन रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं लक्ष्मी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि अपने घर में आप फ्रेश फ्लावर्स लगाइए या कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं डिफ्यूजर में डालकर आप वो लगा सकते हैं, आप अगरबत्ती जला सकते हैं। इस तरीके से अपने घर का वातावरण को अच्छा खुशबूदार बनाकर रखिए और खुद भी अच्छे परफ्यूम जरूर लगाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके घर में वो पीसफुल माहौल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मनी और लव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो जैसे मैंने कहा कि आप तो अपने पड़ोसी के घर भी ऐसे नहीं जाना चाहेंगे जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हो, तो लक्ष्मी जी आपके घर में कैसे आएंगे? तो इसीलिए अपने घर का माहौल अच्छा रखिए, पीसफुल रखिए, घर के लोगों से आपस में बातचीत बनाकर रखिए। ऐसा नहीं होता है कि कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसे सॉर्ट आउट कर दीजिए, उसे बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। अपने घर में सब लोग साथ बैठकर खाना खाइए, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं अपने घर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि लक्ष्मी एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हमेशा सर्कुलेट होना चाहिए, फ्लो बना रहना चाहिए। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। हम ऐसा तो नहीं करते ना कि लगातार सांस छोड़ते रहते हैं या फिर हम लगातार सांस लेते रहते हैं, हम इस तरीके से नहीं करते। तो इसीलिए जब जो भी आपके पास पैसे आते हैं उसे आप अच्छे से रेगुलेट कीजिए और तभी आपके पैसे बढ़ेंगे। आपके पास यदि पैसे हैं तो आप उसे अच्छे न्यू आइडियाज में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं, आप निडी लोगों को दे सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पैसा आपके पास जरूर आएगा। पैसे को ऐसे बांध कर, छुपा कर, लॉकर में रखकर ऐसा मत रखिए। पैसे को यूज कीजिए, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ये भी एनर्जी है और इसका फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि वीनस का जो दिन होता है, लक्ष्मी जी का जो दिन होता है, वो होता है फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन अपने स्पाउस को कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट जरूर दीजिए, जिससे कि उनकी हैप्पीनेस और बढ़ जाए। तो इससे भी आप अपने वीनस को और ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि हम हमेशा पैसे के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ये तो हमें करना ही चाहिए। साथ ही साथ हमें गणेश जी और सरस्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी धन की देवी है, सरस्वती जी नॉलेज और स्किल की देवी है, वही गणेश जी विजडम या बुद्धि के देवता है। तो जब हमारे पास नॉलेज होगा तो हमें पैसे कमाने में वो सपोर्ट करेगा, स्किल से हम पैसे कमा सकते हैं, हमारे पास लक्ष्मी आएगी। लेकिन हम उसे कैसे यूज करें, इसके लिए तो हमें गणेश जी की ही ब्लेसिंग चाहिए, हमें वो बुद्धि चाहिए कि हम अपने पैसे को किस तरीके से यूज करें। तो इसीलिए जब भी पूजा करें तो गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तीनों की पूजा करें। तो ये कुछ बातें थी आपके वीनस को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को उस लेवल तक ले जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आप देखेंगे कि कैसे आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा मेहनत काम नहीं आता, उसके साथ जो ये सारी चीजें होती हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका कंडक्ट, आपकी सराउंडिंग आपको किस तरीके से वाइब्रेशन दे रही है, ये सारी चीजें भी आपको हेल्प करती हैं आपको वो अचीव करने के लिए जो आप अचीव करना डिजर्व करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, रिलेटेबल लगी होंगी। आप इनमें से किन बातों से रिलेट करते हैं, या किस बात को आप ऑलरेडी मानते हैं या मानना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberwise.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।